हाय एवरीवन, आप सब लोग शायद अच्छे होंगे और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर द देखा जाए पहले से लेकर अब तक सीबीआई ने 0% काम किया है। अपना काम करके रिपोर्ट भेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन बाकी कुछ भी सामने नहीं है। काम कर रही है सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी, वो एनसीबी, और कहाँ काम कर रही है, सुशांत का केस छोड़ के बाकी सारी जगह काम कर रही है, ये हमने देखा है। और अभी फिलहाल आपको आसार क्या नज़र आया? आर्यन खान का, चलो आर्यन खान का केस हमारे केस से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात रही बात बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को, जो भी पकड़ा है उनके साथ भी सुशांत सिंह राजपूत का केस का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एनसीबी ने हमारा नाम खराब किया है सुशांत सिंह राजपूत ड्रग टेस्ट बोल बोल के, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है ये, ठीक है। उसके बाद भी आज, उसके बाद क्या होता क्या है, आज की डेट में आसार क्या नज़र आ रहा है? सिद्धार्थ पिठानी को नहीं छोड़ा जा रहा है, बल्कि उसके साथ भी व्हाट्सअप चैट ही थी और कुछ नहीं थी, लेकिन उसको सीबीआई को पकड़ना चाहिए था, बल्कि पूछताछ करके निकालना चाहिए था चीज़ें, लेकिन उसको पकड़ा है एनसीबी ने। और पता नहीं क्या पूछताछ, कौन सी पूछताछ कर रहे हैं, जो अभी तक पिठानी का जुर्म साबित नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ना, और बाकी के जो तीन लोग हैं वो तो खुलेआम मस्त आराम से ऐश कर रहे हैं अपने अपने। रही बात रिया चक्रवर्ती की, उसको परमिशन मिल चुकी है, वो अबू धाबी जा चुकी है, वहाँ पर अपना शो कर रही है, सब कुछ काम कर रही है। अब इस केस के आपको आसार दिख रहे हैं? आपको केस के आसार दिख रहे हैं कहाँ पे? कल प्रियंका दीदी ने ट्विटर पे ये भी बोला कि चलो अर्नब स्पीक फॉर एसएसआर, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं है रिपब्लिकन टीवी से, क्योंकि नेशनल चैनल है वो, नेशनल चैनल है वो, ट्विटर की वजह से या इसकी वजह से ये सब नहीं होगा। अगर वाकई में कुछ करना है तो आप लोगों को कुछ पहल करनी पड़ेगी, जो बड़ी चीज़ करनी पड़ेगी, जो अभी तक किसी ने नहीं की, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो ही रहे हैं, कंटिन्यूअली केस डाउन हो रहा है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत केस कभी सॉल्व नहीं होगा अगर ऐसे ही ठंडा माहौल रहा तो, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस वाली बात है। एक एक करके सब लोग छूट रहे हैं। पहली बात तो किसी को पकड़ा ही नहीं था राइट एजेंसी ने, सीबीआई ने तो किसी को पकड़ा ही नहीं था, पकड़ा तो एनसीबी ने। एक और वीडियो में आज डालूंगा आपको पूरा एनसीबी का कोरा चिट्ठा लेकर, लेकिन एक बात सच है कि सुशांत सिंह राजपूत केस कभी सॉल्व नहीं होगा अगर ऐसे ही आपसे झगड़े या ऐसे ही ठंडे माहौल में रहे तो। कोई बड़ा बॉम्ब्लास्ट मीन्स कोई बड़ी खबर देनी पड़ेगी, वो हमको क्रिएट करनी पड़ेगी, हमको मतलब वहाँ बड़ा सा कुछ अलग तरीके का प्रोटेस्ट, नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं, क्योंकि मीडिया को चाहिए वेरिएशन, मीडिया को चाहिए विजुअल्स, तो विजुअल्स के लिए पैसे भी लगते हैं। मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो करने ही नहीं वाला हूँ प्रोटेस्ट, आप ही लोग करो, लेकिन मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आप लोगों को कि विजुअल्स चाहिए, कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा और कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कि बहुत सारे लोग आए, लाठीचार्ज हुआ या ऐसा कुछ, पुलिस करेगी नहीं पुलिस, लेकिन अगर करेगी, क्योंकि इंसान इंसान है, इंसान को गुस्सा आता है और उसी गुस्से का आपको फ़ायदा उठाना है, तो अगर वैसा कुछ करेंगे प्रशासन वाले तो फिर ये न्यूज़ बनेगी, वरना न्यूज़ नहीं बनेगी, वरना किसी को पड़ी नहीं है। 2 साल से चल रहा है केस, न्यूज़ वालों ने भी बोल दिया कि ठंडे बस्ते में चला गया है, बात मत करो इस बारे में, क्या हो रहा है, अच्छा परिंदल मार्च हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस बार भी न्यूज़ वालों ने मुझे फ़ोन किया था 21 जनवरी को कि आप कुछ नया कर रहे हो क्या सर, क्योंकि उनको पता है मैं ही दूंगा विजिलेंस, मैं ही कुछ नया करूँगा, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, तो नीचे आया भी वो छोटा सा कुछ दिखाना था, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर जब 4 महीने उन्होंने मसाला बोला है तो कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे मना कर सकते हैं, जब उसकी खुद की बहन वहाँ पर गई थी, थोड़ा बहुत दिखा दिया बस, ये हकीकत है। ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए, और कुछ बड़ा जिस दिन मुझे करना होगा मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन तब करूँगा जब मेरा दिल बोलेगा, करूँगा यहाँ से, जब दिल से करूँगा सोचूंगा। बाकी आप अभी करते रहो, क्योंकि 14 जून को मैंने लास्ट प्रोटेस्ट किया था, तब से लेकर अब तक कोई नेशनल मीडिया पे खबर नहीं।